Cheers. हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब ठीक होंगे। काफ़ी टाइम हो गया, ब्लॉग नहीं आया था। तो एक्चुअली कुछ ऑफिस के काम, कुछ पर्सनल काम थे, तो बस उसी चक्कर में टाइम नहीं मिल रहा था शूट करने का। आज रात को बर्थडे है सिस्टर का, तो सोचा कुछ प्लान करते हैं, कुछ करेंगे, केक को कटिंग करेंगे, रात को पार्टी करते हैं। चलिए चलते हैं, केक लेते हैं पहले और कुछ डेकोरेशन का सामान ले लेते हैं। तो ये आ गई हमारी बेकरी, यहाँ पे हमने ऑर्डर कर रखा है केक ऑलरेडी। ये हमने केक ले लिया, कुछ बलून्स ले लिए, कैंडल ले लिए। तो अब चलते हैं घर और कुछ खाने पीने के लिए भी ऑर्डर करते हैं। अब हम पहुँच गए हैं घर पे, केक हम ले आए थे और सिस्टर भी दूसरे रूम में है। इससे पहले कि वो इधर वाले रूम में आ जाए, हमें सारा काम निपटाना है, तो फटाफट करते हैं डेकोरेशन। गुब्बारे, ये वाइट वाले हैं, ये ब्लू वाले हैं, और ये पंप गुब्बारे फैलाने के लिए। हवा थोड़ी कम ही रख रहा हूँ, अगर फट गया तो बाहर तक पता चल जाएगा इसका। पहले कभी मेरे को भी गुब्बारे फुलाने नहीं आए करते थे, और गांठ बांधनी तो बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे गांठ बांधते हैं। ये पकड़ लिए इसको, ये दो उंगलियाँ ली ऐसे बेटी, और उसके बाद इसको यहाँ ऐसे फंसा लो, और फिर इसको खींचो यहाँ से निकाल दो। ये सीखने में मेरे को 4-5 साल लग गए। पंप से आवाज बड़ी हो रही थी, तो मुंह से फुलाने पड़ रहे हैं सारे मुंह से। ये क्या फूल गया, हवा खत्म होगी फेफड़ों में से। पार्टी लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पार्टी हम ले रहे हैं एडवांस में, पिज्जा ऑर्डर कर दिया हमने। बर्थडे तो पता नहीं अभी सेलिब्रेट होगा कि नहीं होगा, पता चले नींद आ गई सब, पिज्जा खा के पता चले सो गए। ये सारा गुब्बारों का क्रेडिट जाता है अभिनव को। मैंने सिर्फ पतले होने के चक्कर में फुलाए हैं। ये भूल गया कि मतलब ट्रेडमिल में और गुब्बारे फुलाने में फर्क होता है। कुछ तो कैलोरीज बर्न हुई होंगी मेरी। हाँ सही है, सही। चलो अब ये काफ़ी हो गए गुब्बारे, अब चलता हूँ मैं दूसरे कमरे। मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था, पता चले पिज्जे वाला वापस चले गया फ़ोन बंद करके। तो ये अभी हम करने वाले हैं पार्टी, पिज़्ज़ा आ गया हमारा, तो पहले करते हैं पार्टी। बर्थडे बर्थडे तो देखा जाएगा। Cheers. इधर पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है और इधर दाना पार्टी हो रही है। हेलो, हाय। अरे ये पिज्जा नहीं खाएगा। हाय, ये बर्थडे गर्ल, इनकी तरफ से है पार्टी, पैसे ट्रांसफर कर दिए इन्होंने। बर्थडे गर्ल सबसे ज्यादा भूख मचाई है। छोटा भीम शांत। अभी हम नई गेम खेलने वाले हैं, इसमें है हमारे पास 6 कप और ये हमारा एक टेबल है छोटा सा। तो हम इधर जहाँ पे ये मम्मी बैठे हैं, यहाँ से हम मारेंगे, ये इस कागज की बॉल से मारेंगे। फोकस नहीं आ रहा इस पे, क्या हो गया? हाँ, ये कागज की बॉल से हम मारेंगे इसको, और ये कप सारे टेबल से नीचे गिराने हैं, और 3 चांसेस मिलेंगे ईच मेंबर, ठीक है? हाँ। ये 1, 3 गिर गए, 2। वो क्या बात है, वो बंदे पकड़ाओ, वो गया। ओ रे वाह, चेक बात, क्या बात है। चलो जी, अब अगली बारी बर्थडे गर्ल की, बॉल उठा लो मम्मी, अब साइड आ जाओ, ये हाँ इस वाले पे आ जाओ। चलो जी, चलो पहली बारी।
ये तो यार मतलब अगर अगर तू जीती नहीं ना तो एक पार्टी और ट्रायल ड्रिल चलो चलो सेकंड ये तो कुछ भी नहीं गिरा ये खुद ही गिर गया शेट तीन बारियां थी चलो एक बर्थडे के नाम पे दे दो एक बारी और दे दो फायदा कोई नहीं होने वाला है कर लो सबसे ज्यादा पिज्जा तूने खाया तो तेरी बारी में तो बीच में रखना चाहिए अब एक एक बारी अब दो ही बारी हैं दो ही जाएंगे पकड़ा दो बॉल गिर गई नीचे ये तो कुछ ये थोड़ा हॉट ये थोड़ा अरे वो नीचे गिर जाएगा ये तो चीटिंग है यार ये चीटिंग है ये फूंक मार कर लो जी अब हम स्टार्ट बॉलिंग चैंपियन ये रह गई अब ये टीम चली जाएंगी इतनी देर में कहाँ देखते हैं सीधा हो गया हमें कब सीधे नहीं करने हैं हमें कब गिराने हैं आप शायद गेम खुद समझा के समझे नहीं हो ये नहीं होंगे तो इसके विनर होते हैं हाँ मम्मी मम्मी और ये अभी अभी तुक्के से इन्होंने फूंक मार मार के गिरा दिए हैं चुटकू चुटकी हाँ हाँ? तो हम ये गेम खेल रहे हैं जिसमें हमारे पास 5 कप हैं तो हम इसमें डालेंगे ये बॉल है एक तो जिसके मैक्सिमम डालेंगे वो एंड में विनर होगा इसका विनर को मिलेगा गाइस चाय बनाएगा हाँ विनर विनर प्लीज चाय बनाएगा सबसे कम पड़ेंगे इसमें वो चाय बनाएगा हाँ ये सही हाँ यस ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेगी ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेगी बर्थडे गर्ल चलो ठीक है चलो बाकी सब आप साइड हो जाओ आपको बैठ के वहीं बैठ के ये बॉल आपको दूर से वहीं बैठ के आराम से डालनी है ठीक है हाँ गिरना भी नहीं चाहिए और उसमें जाना चाहिए तो मैक्सिमम कितने जाते हैं आपके क्या बात है यार एक वो बाउंस होके गिरा है बीच में है चलो ठीक है एक एक काउंट होता है हाँ इसको उल्टा कर दो बैड लक कितने ये 5 है ना तो 5 चांसेस है हाँ नहीं ये नहीं मत करो यार जिसमें गिर गया सिर्फ उसको उल्टा करो ना उसको रहने दो ऐसे चांसेस आप काउंट करो मैं 2 हो गए हाँ थर्ड चांस नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ एंड दिस इज द लास्ट वन लेके प्रभु का नाम तो यहाँ पे सिर्फ एक डला है सो नेक्स्ट अभी
पेट अंदर आउट यार, ये एक भी नहीं गया। चलो नेक्स्ट आप आ जाओ। अब देखना मैं एक भी नहीं डालूंगा। ओ वाह, ये इसको आप उल्टा कर दो। चार हो चुके हैं बस। चलो मम्मी आपकी बारी अब। ये क्या ब्रह्मास्त्र चलाने लगे? चलो 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 जी, तो ये लेडी हमारी होगी विनर। यस, ये इसने दो बड़ी डाल दी और ये बंदा बनाएगा चाय। अभी 10:30 हुए हैं तो अब हम एक और गेम खेलने वाले हैं। इसमें हमने रख दिए 5 कप और इसका इनाम मिलेगा ये किट कैट, छोटे छोटे ये किट कैट हमारे पास, तो जिसको जो भी जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। अब ये गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि ये 5 कप हैं और इसमें से किसी 2 के नीचे हम ये कैरम की गिट्टी रख देंगे, तो अगर कैरम की गिट्टी निकली तो आपको किट कैट मिलेगा और चांसेस हैं आपके पास 2। अगर पहली बारी में ही कैरम की गिट्टी निकल आई तो फिर ख़त्म गेम, और अगर पहली बारी में नहीं निकली तो दूसरा चांस मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चांस मिलेंगे मैक्सिमम। और वो वहाँ से हमें ये सोफे पर बैठ के ये हमने कुकर की रबड़ निकाल ली है, तो ये हमें ऐसे करके ऐसे फेंकना है। अगर वो ऊपर आ गया कप के तो आप जीत के, नहीं आया तो फिर नहीं। और ये कप खाली भी निकल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बारी इसमें मिलेगा कुछ। खेलेगा उसको हम ये दिखाएंगे नहीं। और जो भी मारेगा वहाँ से, जो भी जिसकी भी बारी होगी उसका हम मुँह दीवार की तरफ कर देंगे ताकि हम कप के नीचे गिट्टी रख सकें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला प्लेयर रेडी है, पहले तो इसके गले में डालते हैं। ठीक है चलो, अब ये उधर मुंह रखना, अब ये गिट्टियां डालो, डाल दे जल्दी 2 गिट्टी। थोड़ा हिंट भी दे देना, ऐसे मैं इसमें डालूंगी। चलो जी, ये 2 कप में हमारी गिट्टी सेट होगी और ये हमारा प्लेयर रेडी है। और चलो अब ये एक्सचेंज हो गया। चलो अब मुड़ जाओ और बैठो नीचे और थ्रो करो। इधर इधर कर रही हूं, तो दे दो मेरी। नहीं ऐसे ऐसे, इधर उधर नहीं, आप तुक्का लगाओ। हां हां, ओह सो सैड, बर्थडे गर्ल सिर्फ पार्टी ही दे सकती है, ये कुछ नहीं खा सकती यार। तो आज मुझे लग रहा है कि कुकर की रबड़ का सही इस्तेमाल हो रहा है। पक्का पीछे वाले में होएंगे। तो ज़्यादा आगे वाले भी हो गए। ओहो, मिस, यू मिस दैट चांस। ओहो यार। चलो जी अभी। अभी मुझे लग रहा है ये जो नहीं खेलेगा ना, जिसको बारियां नहीं चाहिए, किट कैट सारी उसकी। ओ मिस मिस मिस, कोई इशू नहीं है, किट कैट भी हमारे पास गिनती की है। चलो अब फाइनल मेरी बारी। इसके नीचे तो नहीं है, ये तो पक्का हो गया। चलो इसको गिनने दो, गिनने दो। इसमें भी नहीं है।
तो मतलब कोई चॉकलेट नहीं जीता? ओहो, मैं जीता। नहीं नहीं बस। चलो जी, अब गेम्स होगी बहुत सारी, अब थोड़ी देर आराम करते हैं और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 11, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट इस मोटे का। हमने कर दिया सेटअप, केक लगा दिया है, गुब्बारे लगा दिए चलो चलो आ जाओ, निकलो बाहर आ जाओ। ये हमने रूम पता नहीं क्या किया है, मतलब इसको डेकोरेशन कहते हैं हम तो। ओह माय गॉड, ये तो सरप्राइज। ये आपका केक, बंद कर देना। नहीं नहीं Happy birthday to you. And may God bless you. और ये हमने केक का कर दिया सत्यानाश, मोमबत्ती जला के। ये मेरे को कमेंट्स में बताना कि इसका क्या इलाज है, अब क्या करना चाहिए। यार ये दिखाना जरूरी था। ये हमने इसमें दिखाया कि कोई और मत ऐसा करना। चलो जी, एक स्पून। आय हाय, ये अच्छा इफेक्ट था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. केक कटिंग हो गई है और अब खाते हैं केक, और रात काफ़ी हो गई है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।